मुझे लगता है आप इस वक्त होश में नहीं हैं। हाँ नहीं हूँ मैं होश में, पागल हो गई हूँ मैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अनीस? कभी तो मुझे धूप देते हैं और कभी छाँव। मेरी आप ही के ससुराल वाले ना बहुत अच्छे हैं, तो बस कभी कभी हो जाता है। हाँ हाँ जानती हूँ कितने अच्छे हैं, तो उनकी इतनी हमायत मत कर। माँ क्यों तमाशा कर रही है हम लोग के सामने? चुप कर जा, क्यों नहीं तमाशा करूँ? उन्होंने भी तो हमारी जिंदगी के तमाशे बना दिए ना, अच्छा सलूक कर रहे हैं वो लोग। देखो भाभी, अब उन लोगों ने मना कर दिया मेरी बेटी को कि माँ से बात नहीं करना, अब फोन पे भी मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर सकती। पैदा किया मैंने उसे, पाल पोस के बड़ा किया, और वो बेटी मुझसे बात नहीं करेगी, और ये कहती है माँ तमाशा नहीं बनाओ। कैसे तमाशा नहीं बनाओ? माँ शादी के बाद ना। क्या शादी के बाद बता, क्या शादी के बाद? बेटियों के ससुराल की इज्जत करने में ही अपनी इज्जत होती है। ये मुझे समझाने वाली, ऐसे सबक पढ़ा रही जैसे खुद 10 बेटियों की शादी की हुई हो। देखो भाभी, माँ हूँ ना, उसको मना कर दिया कि मुझे फोन पे बात नहीं करनी, बेटी है मेरी, दिल नहीं दुखेगा मेरा, दिल तो दुखेगा ना। अरे अरे बस, पहले कोई बात बताई मैंने? आज आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया ना, सबक पढ़ा रही है मुझे। माँ हूँ, दिल तो दुखेगा ना मेरा, बेटी मुझसे बात नहीं करे, फोन नहीं करे, मैं उसे फोन नहीं करूं। बेटी ने खुद कहा मुझे, अम्मा फोन नहीं करना, कुछ तो कहा होगा ना मेरी बेटी को उन्होंने। क्या बताती रहती हैं आप अपने वालदैन को हर वक्त? आप मेरी बात तो सुने अनीस। हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनना आपको है। और आपने सुनी अपने वालिद की बातें, क्या कह रहे थे वो? तो परेशान हो गए थे, मैं रो रही थी। अच्छा, तो मतलब आपको रोना आ रहा था, रोने के अलावा कुछ आता है आपको? मुझे रोना नहीं आता था। आप पर तो बहुत जुल्म हो रहे हैं ना, हमारे खानदान वाले आप पर जुल्म कर रहे हैं, इसीलिए अब आपको रोना आ गया है। अपने वालिद की जुबान सुनी थी आपने, देखी थी? सॉरी। सॉरी के अलावा कुछ बोल सकती हैं आप? नहीं, आप सिखा दे। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा प्लीज। मैंने कहा है ना, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप जाइए यहां से। मनीष, इनफैक्ट आप क्यों जाएंगे, हम ही चले जाते हैं, आप तो ठीक है बैठी रहेंगी यहां, हम जा रहे हैं। माँ हम ना अब्बा को फोन कर लेते हैं ना, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे मेरी माँ फोन भी तो नहीं उठा रहे, कितनी देर से मिला रही हूँ। माँ अब्बा ने भी मना कर दिया क्या? अरे अकल की मोटी, फोन उठाएंगे तो मना करेंगे ना, फोन नहीं उठा रहे, ये बच्चे कहाँ हैं? सुला दिया है मैंने सबको। अम्मा वो कल ना आपदा का टेस्ट है। माँ मैं बोल रही हूँ कि अब्बा को। अरे मुझे लगता है आ गया, दरवाजा तो बचा, कोई आ रहा है। आ गए आप? हाँ आ गए। खाना तो खा के आए होंगे? हाँ, मुर्गे मुसलम खा कर आए वहां से, कल की दावत के लिए भी रोक रहे थे मुझे। कहीं रोक ही ना ले। बहुत थक गया हूँ साजदा, बहुत थक गया हूँ, गलती हो गई, मोटरसाइकिल लेने कल ही जाता तो अच्छा था। क्या बोल रहे हैं अब्बा, हम लोग यहाँ दोपहर में आए थे हैं? तो फिर दोबारा अब्बा रक्षे में बैठ कर मोटरसाइकिल लेने गए, और आपा के घर रास्ते में मोटरसाइकिल भी खराब हो गई। अरे क्या औलफल बके जा रही है, सीधी बात नहीं बता सकती, हुआ क्या? सही तो बोल रही है, वो तुम्हारे दामाद का हुक्म था, और बेटी ने इल्तिजा की कि अब्बा गाड़ी में जाएंगे, आंखों में आंसू भर के कह रही थी कि अब्बा गाड़ी में ही जाएंगे। तो बोल देते ना कि आप मोटरसाइकिल पर वहां आए हैं, मोटरसाइकिल पर ही वापस जाएंगे। अरे अगर गाड़ी में बैठने से इनकार करता तो गाड़ी के बजाय बेटी घर से जाती। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलो पानी, पानी तो पिलाओ, कम से कम पानी तो पिलाओ। मैं लेके आती हूँ। मंजूर अली, क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हारी जबान तो झूठ बोल सकती है,
तुम्हारी ये आंखों की जो आंसू है ना, ये एक माँ से झूठ नहीं बोल सकते। बता मेरी बेटी को क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब्बा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि उसे कुछ हुआ है। तू बता मुझे वहां क्या हुआ है। तुम्हें अपने अब्बा के साथ मिल गई है ना? सच बात नहीं बता रही ना मां को? पता क्या हुआ? मुझे नहीं पता। तो भी झूठ बोल रही है बाप की तरह। बता बता दे क्या हुआ है? क्यों बाप बेटी मिलके मेरा इम्तिहान ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं बताओगे तो इस दिल को नहीं पता चलेगा? सुबह से दिल को कुछ हो रहा था मेरे, माँ के दिल से कैसे कोई बात छुपा सकता? बच्चे को कोसों दूर कुछ होता है तो माँ को सोती को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ। और तुम मुझसे छुपा रही हो, मुझे कुछ नहीं बताना चाह रहे हो ना? तुम लोग पागल समझ रहे हो ना मुझे? अम्मा, खाना लगा दूं? नहीं, अब्बा ने समोसे खिला दिए थे। अच्छा, पहले मैं समझती थी कि बच्चा होना मुश्किल होता है, रोज पढ़ना पड़ता है, सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन आज जब अब्बा को इतना परेशान देखा तो पता चला कि अब्बा होना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल नहीं होता। होता है आपा, अगर अब्बा होना मुश्किल होता है ना तो आप ही होना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आप ही होना मुश्किल होता है? क्या हुआ आप ही को? कुछ नहीं, रो रही थी। रो रही थी? पूछा नहीं तुमने क्या हुआ क्या उनको? मुझे नहीं पता। आपसे एक बात पूछूं? नहीं। मैं तो पूछूंगी और आपको जवाब भी देना होगा। मुझसे मोहब्बत करते हैं आप? पता था मुझे तो लगता है आपको मोहब्बत करनी ही नहीं।
हाँ नहीं आती है, मैं मोहब्बत करनी तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ आपको मोहब्बत करना। आप? हाँ एक सेकेंड। क्या इधर देखे ना, बचपन ना मैं और शायद आई खेल खेलते थे, जब स्कूल में उसको सब छेड़ते थे ना तो मैं काली और वो गोरी बन जाती थी। हम अभी भी ऐसे कैरेक्टर स्विच करते हैं, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए, जब तक हम ये खेल खेल रहे हैं, मैं नीसू और आप जायदा। बकवास, चले ना स्टार्ट। मुझसे नहीं खेला जाएगा ये, मैं कोई और। तो करे, बहुत मजा आएगा। नहीं बात सुना, मैं अनीस और आप जायदा बन जाए। हम जायदा बन जाए? आप जानते हैं हम इतने मर्दाना हैं कि हम ज़ायदा कभी भी नहीं बन सकते। सच में थोड़ी हो जाएंगे, कोशिश करें ना, थोड़ी देर खेलते हैं, आपको मजा आएगा। अच्छा इधर देखें, मैं अनीस और मैं अपनी ज़ायदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अपनी ज़ायदा को एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है ज़ायदा के लिए। दिन रात तुम मेरी सांसों में बिखरे बिखरे से रहते हो, मैं खुद को समेटूं कैसे जाऊं, तुम मेरे अंदर रहते हो। शेर तो हमने आपको सुनाया था ना? हाँ, तो इस वक्त मैं नहीं सुना, इसीलिए अच्छा है ना? कुछ हम भी सुनाएं आपको? हाँ हाँ जरूर। धूप से छांव की आगोश में आया ना गया, रूप से रंग के जिंदान में समाया न गया, तुमने एक खेल रचाया था रचाया न गया, जलवे ही आग के थे बीच में पर्दा तो न था, फर्श से फर्श का फासला तो इतना न था, इतनी दूर रात से मेरे लिए आया न गया, दुखी क्यों हो रहे हैं आप? सायदा आप हमसे मोहब्बत करती हैं? ये कैसा सवाल है? आपको नहीं पता? मुझे बहुत सारे शेर तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे सिर्फ मोहब्बत करना ही आती। वही तो नहीं आती आपको करना। अच्छा तो फिर आप सिखा दें मुझे मोहब्बत करना। मसला तो ये है कि शायद हमें खुद नहीं आती। क्यों, आपको भी नहीं आती ना? एक काम करते हैं, कहीं एडमिशन ले लेते हैं, किसी से सीख लेते हैं। क्या कह रही हैं? सीखनी तो पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्लासेस ले लेते हैं, दोनों मिलके ले लेते हैं। अच्छा आप जाइए, जाकर सो जाइए। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। फायदा हम चाहते हैं आप अपने वालिद से कहें कि वो हमारे घर में आया करें। मेरे ख्याल से बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने ये बात। आपके लिए बहुत हो गया? बहुत तो हमारे लिए हुआ है, क्योंकि शादी की रात जो कुछ हुआ वो आप जानती हैं। कैसे वहां लाइट चली गई थी, जनरेटर का इंतजाम नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं था, हमने कुछ नहीं कहा। आपके घर के बच्चों ने हमारे घर के बच्चों को मारा, हमने कुछ नहीं कहा। और उस पर तुर्रा ये कि आपकी पुप्पो ने हमारे घर आकर हंगामा किया, आपके वालिद ने हमारे घर आकर हंगामा किया और हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम क्योंकि हमें आप अच्छी लगती हैं, पसंद है आप हमें। बस सिर्फ पसंद, मोहब्बत नहीं है ना आपको मुझसे? ये क्या एक ही बात है? एक बात नहीं, आप मोहब्बत नहीं करते तो कह दीजिए। शायद ऐसा नहीं है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शायद बहुत ज्यादा मोहब्बत। हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा मोहब्बत कभी किसी से नहीं की। अच्छा तो फिर एक बहुत अच्छा सा शेर सुनाना होगा, मोहब्बत का इम्तिहान।
नजाकत ले के आंखों में उनका देखना तौबा। लाही हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। बहुत अच्छा शेर था। ये कब लाया? ये गजरे हम सब घर आ रहे थे, रास्ते में एक बच्चा बेच रहा था, फूलों को देखा तो आपकी याद आ गई। और ऐसे साइड टेबल पर दिया भी नहीं मुझे। आप जानती हैं हम उनसे ये तोहफे देना देना नहीं होता है। बहुत प्यार है, आपको पता है ना मुझे कितने पसंद है। ये आपने कभी पहले तो नहीं कहा। अब कह दिया ना। थैंक यू। थैंक यू। आप उस अनीस उद्दीन को बता दीजिए कि ये अनीस मिर्जा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कौन है अम्मा? अरे मैं हूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा। आजो आजो आजो। सलाम नहीं कर सकता आपको, खाना खा रहा हूँ। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप भी ठीक होंगे, वरना मुझे तो लग रहा था कि जिंदा हूँ और जिंदगी के लिए नहीं। अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो, आराम से टिक के कभी बैठ भी जाया करो। यहाँ पे अच्छी हवा आती है इसलिए तुम्हें यहीं पे बिठाया। हाँ, सही। नसरीन मामी आए, खाना खा लें। अरे नहीं, खाना मैं खाकर आई थी। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा और खा लो। नहीं नहीं, मैं जरूर खाती, क्योंकि आपके घर का खाना और मंजूर भाई के घर की चाय, क्या बात है। ये तो तुमने खूब कही, मंजूर अली के घर की चाय तो भाई मैं भी बहुत पिया करती थी। हाँ अम्मा, आप खून के घूंट पीती हैं। वैसे मामी, मैंने सुना शायदा के लिए रिश्ता आया, वो भी लंदन से। उसका तो पता नहीं, मैं तो जायदा की खबर लेने गई थी। हैं? अच्छा, अरे क्यों, क्या हो गया मेरी बच्ची को? पता नहीं क्या हुआ है, पर परसों मंजूर अली के घर से बहुत शोर शराबे की आवाज आ रही थी। हमारा घर तो उनके बराबर में ही है ना। मैं गई थी, साजदा भाभी तो बहुत गुन्नी बनी हुई थी। बात की तो पता चला कि अरे कुछ बोलो भी आगे, क्यों मेरा दिल खराब कर रही हो? क्या हुआ जायदा को मामी? बस खुश नहीं रखते, बच्चे के लिए जोर दे रहे हैं। हैं? पर अनीस तो उससे मोहब्बत करता था ना। अनीस तो उससे आज भी मोहब्बत करता है। अरे कैसी मोहब्बत, ये बड़े लोग इतने बड़े भी नहीं होते। शकल देखकर लेकर गए थे, अब उसी शकल को देखने को जी नहीं चाहता। अरे फूलों की तरह पाला था तुम सबने, और वो कांटों के सेज पे रख रहा होगा। बस रहने दो, क्या बताऊं, ये सब किया धरा ना मेरी भावज का है। बोला भी था कि भाई मेरी बच्चियों की शादी हो जाने दो, साल दो में ये सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी को ब्याह के लाएंगे और फूलों की तरह अपनी आंखों पे बिठाएंगे। मगर ना, उसको तो बहुत जल्दी थी ना, अब भुगते है, अपनी जल्दबाजी का अंजाम देख लिया ना उसने। अबे तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा, पेट भर गया मेरा। हाँ अब सर फट रहा होगा इसका। तुम चुप। ये अभी भी मोहब्बत करता है उससे? अरे नसरीन मामी, मोहब्बत कोई सुबह 10 से शाम 6 तक तो होती नहीं है। ये होती है तो पूरी खबासत से होती है, और कभी कभी तो खबीसों से हो जाती है। तो और क्या, बल्कि खबीसों वाली ही होती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चली जाना, पहले जरा मुझे मेरे भाई के बारे में तो कुछ बता दो, उस बेचारे पे पता नहीं क्या बीत रही है, बड़ी परेशान रहती हूँ।
अरे अकल की मोटी, इस वक्त झाड़ू क्यों दे रही है? सुबह के वक्त करते हैं झाड़ू पोछा। हाँक लग गई थी अम्मा, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उनको पढ़ा रही थी। हाँ हाँ, तूने बड़ा पढ़ा लिया और बच्चे पास हो गए, पिछले साल भी फेल हो गए थे, अब क्या पता नहीं अगली क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो जाएंगे अम्मा, वैसे भी वो आपदा ही है। वो आपदा तो बिल्कुल तुम्हारे अब्बा पे गई है, तुम्हारे अब्बा भी ऐसे थे, इसलिए हम सबकी ऐसी की तैसी हो गई है। क्या है अम्मा, हर वक्त डांटती रहती है मुझे। मुझे ये बता कि झाड़ू क्यों फेंकी इतनी जोर से, इसके सारे तिनके टूट जाते हैं, मुफ्त की झाड़ू है, पता नहीं कैसे पैसे कमाती हूँ मैं। इधर आ, यहाँ बैठ। ऐसे क्या देख लिए, सुस्त मारी, कोई फुर्ती नहीं है तुम लोगों में। क्या है अम्मा? क्यों की बच्ची, बात सुन। क्या वो आई? क्या? अरे वो ही जो फेसबुक पे आती है। माँ बंद कर दी है मैंने, वो कितनी बार बताऊँ आपको। बंद कर दिए? बाप की तरह ना सारी जिंदगी अपनी किस्मत बंद करके बैठी रहना, कुछ नहीं करना। सब करके रख दी जिंदगी, खून जला के रखती है मेरा। अनीस मेरा बेटा। मेरा मत कहिए मुझे, मैं आपका नहीं हूँ बल्कि किसी का भी नहीं हूँ। अनीस भाई कैसे हैं आप? पानी लाओ आपके लिए। जरूरत नहीं मुझे, बल्कि किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। उसने मुझे दिल से निकाला था ना, आज वो उस दिल से बल्कि दिल निकाल रहा है उसका। क्या कह रहे हो तुम? मरीक की बात कर रहा हूं, चांद की, उस चांद की जिसे आप लोगों ने बच्चा चाहिए उसे, जूते मारता है उसे, सब्जी खाती है वो, अरे उसे पता भी है कि वो खाने में क्या खाती है। चाट, रबड़ी, गोलगप्पे, निहारी। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा, मुझे तो बर्बाद करके रख दिया। क्या आप वो आबाद है? अनीस भाई बैठ जाएं आप। बात मत कहो मुझे, दिल दुखता है मेरा। अरे जब अपना समझा ही नहीं तो अपना कहा क्यों? उमानी जान, उमानी जान मैं आपको बता, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं उसके शौहर का कत्ल कर दूंगा। अरे उसकी सास तो उसे पसंद भी नहीं करती, और उसकी नंदे तो उसे नफरत करती हैं। आप उस अनीस उद्दीन को बता दीजिएगा कि ये अनीस मिर्जा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। बता दीजिएगा। ये क्या कह कर गया है? कुछ नहीं अम्मा। साहिदा ने इसे फोन किया था क्या? वो क्यों फोन करेंगी ने अम्मा? तो फिर ऐसे कैसे? जाओ फोन लेकर आओ। अम्मा इस वक्त अनीस भाई घर पर होंगे, हम आप ही को इस वक्त कॉल। तो मुझे सबक मत पढ़ा, फोन लेकर आ। कहा ना तुझे अम्मा, कहा ना तुझे फोन लेकर आ। हम आज अभी कॉल नहीं कर सकते, कल कल कर लेंगे।
अरे अम्मा की कॉल इतनी सुबह सुबह. हेलो अम्मा, इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना? साहिदा मेरा बच्चा कैसी है तू? मैं ये क्या सुन रही हूँ? हनीस पागल ने तुझे मारा है क्या? क्या हुआ अम्मा? अरे मैं बता रही हूँ, जो जिसके साथ करता है उसके साथ वैसा ही होता है. आइए तेरे साथ कर रहा है ना, कल को देखना इसकी माँ बहनों के सामने आएगा, देखना तू. अम्मा क्या हो गया है आपको, क्या बोले जा रही हैं आप? अरे क्या हो गया, मैं फारसी में तो बात नहीं कर रही हूँ जो तुझे समझ नहीं आ रही. ना मैं पश्तो में बात कर रही हूँ, सीधी सीधी उर्दू में बात कर रही हूँ. अनीस आया था, मुझे बता गया सब. तेरे घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं? अनीस से अगर शादी हो जाती तो हमारे दिल को भी करार आ जाता. अम्मा क्या कुछ बोल देती हैं आप, क्या हो गया है आपको, क्यों हो जाती मेरी शादी अनीस भाई से? हेलो 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 अम्मा लाइए, इधर लाइए. अरे लाइए ना हमारे पास. अब अनीस वो अब अम्मा की कॉल फोन ही बंद कर गई, पूरी बात ही नहीं सुनी. या अल्लाह मेरे बच्चे का घर आबाद रखना. अच्छा भला था ये अनीस, अरे मनहूस के दिमाग में कौन सा कीड़ा आ गया है. चला मेरे बच्चे का घर आबाद रखना. अल्लाह मेरे मालिक, पता नहीं कब्बख मारे ने मेरे बच्चे को कितना मारा होगा, किसी कोने में बैठ के रो रही होगी, आंसू छुपाए होंगे मुझसे, इसलिए फोन बंद कर दिया. उसको लग रहा होगा ना माँ को पता चल जाएगा. लेकिन साहिदा मुझे फिर भी पता चल गया, तू चाहे जितनी मर्जी बातें छुपा ले बच्चा, मुझे फिर भी पता चल गया तू दुखी है, तू दुखी है. और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. अपनी आवाज नीचे रखिए अनीस मियां, कहीं आपका किरदार नीचा ना हो जाए. कुछ मत कर, चुप. ज्यादा बात करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. ये यही लगता है ना कहीं. ओ आई एम सो सॉरी, बिल्कुल लगाना नहीं आता है हमें. ये यही लगता है लेकिन ये पिन से लगता है. अच्छा रियली, एक्चुअली जिंदगी में पहली बार किसी को फूल दिया है. वैसे लड़कियों के बालों में ही फूल लगा हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा अपने हाथों से आपके बालों में. थैंक यू. मैं तो डर गई थी अनीस, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे फिर से. आप ठीक कह रही हैं, आप जरूर डर गई होंगी क्योंकि हम गुस्सा ही बहुत करते हैं. लेकिन अब हमने फैसला किया, हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे बस. अच्छा हाँ, और आपने हमें क्यों नहीं बताया कि गुस्सा इतनी बुरी चीज होती है, इसके इतने नुकसान होते हैं? बहुत दफा दिल किया लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. अब आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप पर दोबारा कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे. इनफैक्ट हम ये कह रहे थे कि हम आपके पेरेंट्स की इज्जत करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे बहुत डिफरेंट हैं. मैं जानती हूँ लेकिन आप ये कहना चाह रही हैं ना कि आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि आप कर सकते. थैंक यू सो मच. जाहिदा के लिए जो खाना बनाया वो ले आए. नाश्ता कर लिया आपने? जी हमने नाश्ता कर लिया है. आप स्कूल नहीं जाएंगे आज? नहीं आज मूड नहीं है हमारा. सोजिया देख लेंगी हमारा काम. हाँ जाहिदा बता रही थी कि उनकी बहन शाहिदा को आपके किसी दोस्त ने. ये आपको किसने बताया? नहीं वो किसी से सुना था. तो हम जानते हैं अच्छी तरह की ये बात आपको किसने बताया. शाहिदा से उनकी बात हुई थी और वैसे भी उन्होंने डिलीट कर दिया उसे. अच्छी खासी सेंसिबल सी लड़की है. वैसे लड़का अच्छा था लेकिन वालदेन का पता नहीं था और ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि
माँ बाप का पता ना हो। जी आप नाश्ता फिर करेंगे क्या? नहीं हम तो बस ऐसे ही। हम जायदा को बुला कर आते। आ जाएंगी वो, उनकी वालदा कभी नहीं आई हमारे घर। नहीं हमने मना कर दिया, लेकिन जायदा बता रही थी कि उनका फोन आया था और पूछ रही थी हमारे। फिर तो उन्होंने अच्छे से बताया होगा आपके बारे में। वैसे ये सब खा के तो आपकी जायदा ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये शगुफ्ता मनान जैसी बातें करना छोड़ दीजिए आप, हमारे गुस्से को अच्छी तरह जानती हैं आप। जायदा को लेकर आ रही। आ जाएंगी वो। दस हजार बार समझाया ये सवाल ऐसे नहीं करना था, समझ नहीं आती ना तुम्हें? भाई अम्मा देखे ना कैसा पेपर करके आई है ये। ऐसे ही तो करना था, ऐसे ही तो करना था कि बच्ची ना आसान पेपर आया है और सब गड़बड़ कर दी तुमने। अभी के अभी मुझे पूरा ना पेपर सॉल्व करके दिखाओ, चलो जल्दी से। अम्मा देखे ना क्या है आप ही को, इनकी भी शादी हो जाती ना तो जान छूट जाती मेरी। अभी बताती हूँ तुम्हें, बकवास करती रहती हूँ हर वक्त। अरे क्या हो गया, क्यों मेरे बच्चों की जान की दुश्मन बनी हुई हो? पहली कम थी, पढ़ रहे हैं ना, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे बस, हमारे लिए इतना काफी है। अम्मा क्या अम्मा में लगाई हुई है, हर वक्त मेरी जान मत खाया करो। अजाब बन के रह गए तुम सारे, एक वो ऊपर से ज़हरा का मियां, दिमाग की दही कर दिया उसने। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, एक नजर ही भा रहे हो तुम लोग मुझे। अब पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी वहां पे। अम्मा उनको तो ना आप उनके हाल पर ही छोड़ दें। क्यों उसके हाल पे छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दिया है ना, अच्छा खासा रिश्ता था। अम्मा आपकी इन बातों से ना चिढ़ हो गई है मुझे। चिढ़ तो मुझे भी हो गई तुम्हारी शक्लों से, दफा जाओ। फोन भी नहीं उठाया बाद में मेरा, तुम्हारा करती देखा ना, फोन भी नहीं उठा रही, कहीं बैठी रो रही होगी अपनी जान को। अच्छा भला था अनीस। चाय भारत अम्मा की कॉल आई थी। हमने बात नहीं की। बहुत अच्छा किया। अच्छा सुने अगर आप कहें तो हफ्ते में एक दफा अम्मा से बात कर लिया करें। अगर बहुत जरूरत हो तो कर लिया करो। मेरा ख्याल है कहीं बाहर चलते हैं, मेरा काम हो गया। तुम्हें काम करो, मेरे कपड़े निकालो, मैं तैयार हूं, तुम फिर चलते। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बीजान बस जायदा को लेकर बाहर घूमने फिरने जाना चाह रहा था। हमने मालूम किया था कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मां बनने के लिए बहुत फायदा मंद है। अच्छा तो बीजान ये तो आपको इन्हीं से बात करनी चाहिए। तो कर तो रहे हैं। ठीक है हम अभी बाहर जा रहे हैं, होके वापस आते हैं तब
बता दीजिएगा या चलें आप अभी बता दीजिए। अब हमें कुछ नहीं कहना तीजान। जब औलाद हद से गुजर जाए तो उसको जाने और आने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। पर भी जान खामोश रहिए, ये ड्रामे बंद कर दीजिए। हमें मालूम है कि सब सिखाई आपकी है। बस कर दीजिए बीजान, कुछ नहीं सिखाया इन्होंने हमें, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अपनी आवाज नीचे रखिए अनीस मियां, कहीं आपका किरदार नीचाना हो जाए। हमारी आवाज नहीं चाहिए, और वैसे भी अब हम जाना चाह रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है वो आप बेशक बाद में बता दीजिएगा। तो चाहिए, किससे रोका है आपको? आप जाइए, तैयार हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं। पर अनीस, कोई मसला नहीं है, आप जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं। कहते हैं ना कि बीवी आ जाने के बाद बेटा बदल जाता है। हमने तो इस बात को सही साबित कर दिया।